हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, अब आपको काफ़ी महीनों से बताता आ रहा हूँ कि जी टी वी का जो पॉपुलर शो है कुंडली भाग्य, उसमें हमें देखने को मिलने जा रहा है जनरेशन लीप। और उसी जनरेशन लीप के बाद काफ़ी जो पुराने एक्टर्स हैं वो सीरियल को क्विट कर जाएंगे और नए एक्टर्स सीरियल में आने वाले हैं। नए एक्टर्स पे मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेन कास्ट में से कौन से मेन वाले एक्टर्स हैं जो कि सीरियल का पार्ट नहीं रहेंगे, जो कि सीरियल का हिस्सा नहीं रहेंगे। सबसे पहले शक्ति अरोड़ा, जो कि सीरियल में मेल लीड प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने धीरज धूपर को रिप्लेस करा था इस सीरियल में एज मेल लीड। तो गाइज, ये सीरियल को क्विट करके जा रहे हैं। काफ़ी देर पहले भी बताया था, इनका डिसीजन था कि ये सीरियल में और कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज जनरेशन लीप के बाद मेकर्स तो ऐसे चाहते थे इनको भी रखना, बट जो है कंडीशन ये थी कि लीप के बाद वाली स्टोरी लाइन ये डिमांड करती है कि इनको फादर प्ले करना पड़ेगा ग्रोन अप एडल्ट्स का। एंड ऑल्सो जब जनरेशन लीप आ जाता है उसके बाद जो फादर बन जाते हैं मेन लीड्स, उनका ज़्यादा रोल रहता नहीं है। जो इनके बच्चे वगैरह दिखाते हैं उनकी कहानी आगे उस पर फोकस होती। तो इसी करके शक्ति अरोड़ा ने यह डिसीजन लिया कि वो इस सीरियल का पार्ट नहीं रहेंगे, वो कुछ और फास्ट पेस्ड और थ्रिलर टाइप के रोल्स करना चाहते हैं। भले ही टीवी शो में हो, ओटीटी में हो, मूवी रोल हो, लेकिन वो इंटरेस्टिंग ऐसे रोल्स करना चाहते हैं जो कि फर्दर उनके करियर में और वो एक्सप्लोर कर सकें अच्छे टाइप के रोल्स। और वो अब जनरेशन लीप के बाद वो प्ले नहीं कर सकते थे कुंडली भाग्य में। उससे पहले जो उनका रोल था वो उसे पसंद कर रहे थे और उनका ये भी कहना है उसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर और किया जा सकता था, लेकिन मेकर्स और चैनल ने नहीं करा, तो अब वो मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये रीज़न है कि वो शो को क्विट करके जा रहे हैं और आपको लीप के बाद बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगले एक्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले एक्टर हैं संजय गगनानी। तो गाइस, संजय गगनानी का आना जाना कुंडली भाग्य सीरियल में चलता ही रहता है। तो गाइस, संजय गगनानी भी सीरियल को क्विट कर रहे हैं और इस जनरेशन लीप के बाद आपको संजय गगनानी भी इस सीरियल में देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी ऑडियंस डिवाइडेड रहती है संजय गगनानी के कैरेक्टर पे। वैसे कुछ लोग इनको बहुत पसंद करते हैं कुंडली भाग्य में, कुछ फैंस बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन एनीवेज, कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप इनको मिस करेंगे या फिर नहीं। एक और एक्टर की ओर बढ़ते हैं। अगली एक्ट्रेस हैं सोनल वेंगुरलेकर। तो गाइस, ये भी हमें देखने को नहीं मिलने वाली हैं कुंडली भाग्य में जनरेशन लीप के बाद। करेंटली इनका जो करेक्टर है वो अराउंड 25 साल का है और जो जनरेशन लीप का आएगा उसके बाद 40 प्लस का इनका करेक्टर हो जाएगा। तो उनका ये कहना है कि वो इतनी एज्ड करेक्टर प्ले नहीं करना चाहती और ये मदर का रोल प्ले नहीं करना चाहती, वो बेडल्ट का, और इवन उसके बाद भी इनका रोल ज़्यादा रह नहीं जाएगा जब इनको ओल्ड एज्ड बना दिया जाएगा सीरियल में। तो उनका ये कहना है, वैसे वो सीरियल में ऑब्वियसली कंटिन्यू करना चाहती, लेकिन ये जो जनरेशन लीप का उन्होंने डिसीजन लिया है इसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज एज्ड रोल वो सही भी नहीं लगेंगे करते हुए उनके हिसाब से, और वो करना भी नहीं चाहती। उनका करेक्टर भी जो है वह अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने को बचेगा नहीं। तो इस करके सोनल का भी यही डिसीजन है कि वो भी शो को क्विट करके ही जा रहे हैं, वो भी जनरेशन लीप के बाद पार्ट नहीं रहने वाले इस सीरियल का। बात करें और लीड्स की, तो श्रद्धा आर्य स्टिल सीरियल का हिस्सा है और जनरेशन लीप के बाद भी आपको कुंडली भाग्य में देखने को मिलने वाली हैं। तो एटलीस्ट एक रिलीफ तो है कुंडली भाग्य के फैंस के लिए कि श्रद्धा आर्य कहीं नहीं जा रही हैं, वो तो स्टिल आपको सीरियल में देखने को मिलेगी। और काफ़ी नए लीड्स और नई कास्ट वगैरह तो आ ही रही है, स्टोरी पूरी तरह से फोकस जो है शिफ्ट होगा, बहुत चीज़ें बदल जाएगी। अब हम बात करें एग्जैक्टली कितने सालों का लीप है, तो 20 साल का लीप है। जनरेशन लीप जो है 20 ईयर्स का आने जा रहा है कुंडली भाग्य में, जिसके बाद सब बदल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता कि लीप के बाद मेन लीड्स कौन प्ले करेंगे, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियोज़ में कि सना सैयद मेन फीमेल लीड प्ले करेंगी इस जनरेशन लीप के बाद, और पारस कल्लावत मेल लीड प्ले करेंगे, यानी कि सना सैयद के ऑपोजिट इनको पेयर किया जाएगा। ये तो दो लीड्स होंगे, इन पे फोकस होगी सारी कहानी, लेकिन इनके अलावा और भी काफ़ी नए एक्टर्स होंगे जो कि लीप के बाद देखने को मिलेंगे, काफ़ी नए करेक्टर्स जिनके आसपास सारी स्टोरी रिवॉल्व करेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए कुंडली भाग्य फैंस के साथ, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए किसको मिस करेंगे किसको नहीं, क्या देखना चाहते हैं लीप या फिर नहीं। सारी लेटेस्ट अपकमिंग कुंडली भाग्य की लीप की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी जी टीवी कुंडली भाग्य के अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।